एक मिडिल क्लास आदमी जिसके छोटे छोटे से सपने होते हैं और उन्हें पूरा करने की एक बड़ी सी चाहत। तो कुछ इसी स्टोरी प्लॉट को फॉलो करती है वेब सीरीज 100 जो कि हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। टोटल 8 एपिसोड हैं इसके और करीबन हर एपिसोड 40 से 45 मिनट का है। लीड कैरेक्टर में हमें नजर आ रही है इसमें लारा दत्ता, रिंकू राज और करण माही जैसे कैरेक्टर। बात कर लेते हैं इसके स्टोरी प्लॉट की। सो स्टोरी स्टार्ट करूं उससे पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ऐसी मोर अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं अपने हर न्यू वीडियो में न्यू रिलीज वेब सीरीज की स्टोरी लेकर आती हूं, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। बात करते हैं इसके स्टोरी प्लॉट की। तो स्टोरी प्लॉट कुछ ऐसा है, एक लड़की है नेत्रा, मिडिल क्लास लड़की है जिसके छोटे छोटे से सपने हैं और अपने घर की हर जरूरत को पूरा करने का काम करती है। पर बोलते हैं ना, जिंदगी कब कौन सा खेल दिखाए समझ नहीं आता। तो उसके साथ भी एक ऐसा ही खेल दिखाती है जहां उसे पता चलता है कि अब उसकी जिंदगी बहुत कम बची है, कुछ 100 दिन ही जिएगी, और वो बहुत डिप्रेस हो जाती है कि भाई मेरे पास अब 100 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं अपनी जिंदगी का, कैसे बताऊं, किसके पास जाऊं। तो ऐसे में उसे मिलती है लारा दत्ता, सौम्या शुक्ला का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि एक पुलिस वाली है। अब वो पुलिस वाली उसका क्या कुछ यूज करती है और उसे बताती है कि नेत्रा तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो, 100 दिन ही बचे हैं, पर तुम अपनी जिंदगी को ऐसा वेस्ट मत करो, अपनी लाइफ को यूटिलाइज करो, और जो सपने तुम मतलब सपने में देख रही हो ना, वो सपने सारे हकीकत में बदल सकती हो, और जो सपने नहीं देखे उन्हें पूरा कर सकती हो। बोलते हैं ना लालच बुरी बला टाइप, तो वो सारी चीजें उससे करवाती है, मतलब कुछ अंडरकवर ऑपरेशन कराती है, इन्फॉर्मेशन निकलवाती है, बेसिकली वो उसे अपना खबरी बनाती है और इन्फॉर्मेशन निकालती है। अब ट्विस्ट की बात यहाँ ये आती है कि जो सौम्या शुक्ला है मतलब लारा दत्ता, उनकी जो शादी हो चुकी है, एक प्यारा सा पति है, पर उनका अफेयर चलता है करण वाही के साथ। अब कैरेक्टर तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से बताए गए हैं, पर एंड ऑफ द क्लाइमेक्स जो आपको पता चलेगा ना, जो सीरीज में पूरी सीरीज है फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक, तो जो बोला जाता है कि यार ये 100 दिन में मरने वाली है, 100 दिन में मरने वाली है, बट एंड ऑफ द क्लाइमेक्स वो क्या होगा वो तो आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा। पर मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, कुछ मतलब आपको बांध के रखती है सीरीज। वो जो लड़की का कैरेक्टर है ना नेत्रा, जिसे प्ले किया है रिंकू राज ने, मतलब बहुत ही क्यूट लग रही है, एकदम मिडिल क्लास लड़की जो मराठी बोलती है एकदम प्योरली, और बोलते ना जो धड़ल्ले से कुछ भी बोल रही है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या है और क्या चल रहा है, वो अपनी जिंदगी के 100 दिन है जिन्हें वो अपनी हर तरीके से जीना चाहती है। बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट की और नेगेटिव पॉइंट की। तो देखिए, हॉटस्टार है, अच्छा कंटेंट है, बड़े स्केल पर शूट की गई है, एक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी है, सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा है लारा दत्ता का। और लारा दत्ता के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी जो उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई करती है, कि बोलते ना प्यादे वो अपनी चाल सीधे ही चलते हैं, पर रानी आड़ी टेढ़ी कैसे भी चल के बाजी वही जीतती है। बाकी जितने कैरेक्टर हैं उनको स्टोरी के लिए बकायदा डेवलप किया गया है, मतलब आप कनेक्ट होते हैं, मतलब आप सौम्या के कैरेक्टर से भी कनेक्ट होते हैं और नेत्रा के कैरेक्टर से भी कनेक्ट होते हैं, बट आखिर गलती किसकी थी वो आपको सीरीज लेके पता चलेगा। बाकी नेगेटिव पॉइंट ये है सीरीज का कि जो लेंथ है सीरीज की, मतलब एक सिंपल सी स्टोरी थी, आप इसे 5 एपिसोड में भी खत्म कर देते तो अच्छा रहता, बट कहीं जगह आपको लगता है कि सीरीज जबरदस्ती के खींच रही है, मतलब आपको बहुत लेंथी लगती है, जहां 5 एपिसोड में सीरीज खत्म हो जानी थी वहां 8 एपिसोड है और करीबन हर एपिसोड 40 से 45 मिनट का है। जहां आप सीरीज को 25 से 30 मिनट के पर एपिसोड में 5 एपिसोड में खत्म कर सकते थे, तो बहुत लेंथी की गई है। बाकी ओवरऑल सीरीज अच्छी है, बाकी एक्टर की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और जो उनके डायलॉग्स है ना वो भी उमदा है, पर वो थोड़े फाइन होते और क्लियरली होते तो अच्छा रहता। और जो करण वाही का कैरेक्टर है वो ज्यादा मतलब दिखाया नहीं गया है, उतना नहीं है, अगर उनका कैरेक्टर भी थोड़ा अच्छे से डेवलप किया जाता तो वो भी काफी अच्छा कैरेक्टर होता, बट एंड ऑफ द क्लाइमेक्स ज्यादा उनका कुछ दिखाते नहीं है, और लास्ट एपिसोड में भी उनके कुछ इतना रोल नहीं है। बाकी ओवरऑल अच्छी है सीरीज, आप देखें, मैं सीरीज को अपनी तरफ से देती हूँ 5 में से 3.5 स्टार। आप देखें, हॉटस्टार पर अवेलेबल है। जाने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ऐसी मोर अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं अपने हर न्यू वीडियो में न्यू रिलीज वेब सीरीज की स्टोरी लेकर आती हूँ आपके लिए। और जाने से पहले कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरा रिव्यू और ये वेब सीरीज कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में न्यू रिलीज वेब सीरीज और फिल्म्स की स्टोरी बताती हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।